अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज मैं बा को सरप्राइज देने के लिए आई थी और ये जो पीछे सारा बिस्तरा अभी तक खिलड़ा हुआ है इनको समेटने के लिए आई थी, लेकिन मैं आगे आई तो मुझे खुद को ही सरप्राइज मिल गया क्योंकि महनू मैडम ने आज खुद ही कर लिए ये। तो अब मेरा प्लान उसने ख़राब कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ अब मैं और क्या करूँ। एक तो ब्लॉग बनाने के लिए कंटेंट नहीं है, ऊपर से कुछ मिलता है तो बुशरा कहती है, बा साहिबा कहती है मैं बोर हो गई हूँ इससे। मैंने कहा चल फिर ये यहाँ से बिस्तर उठा के आंटी की तरफ चलते हैं, ये कर लेते हैं भाई। फिर क्या करे भाई, ब्लॉगिंग के लिए भी बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते, कोई एड्डा सूखा काम कोई ना जितना लगता है। ये देखें पीछे वो कर रही है अपना काम। तो अब इस कमरे की हालत को संवार के फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके सो गाइज, अब बारी आ चुकी है हमारे दोपहर के खाने की। तो दोपहर के खाने के लिए मम्मा की तबीयत थोड़ी सी नफाज है और उनका दाल खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। रात को हमने बनाई थी चने की दाल, एक दफ़ा फिर से ये देखें ये अब बाकियों ने खाने है। मम्मा का मूड है कि वो दाल ना खाएं क्योंकि दाल खाने से उनका ना जरा मसला हो जाता है। तो हमने अब ये बैंगन, एक बैंगन था इसको काट लिया गोल गोल पीसीस में और इसके बीच अब हमने ऐड करना है अपना एक मिर्च नमक और एक चम्मच मिर्च। और नमक आप कोशिश करें, मम्मा के लिए ना मैं तो हाथ से डालने की कोशिश करती ताकि ज़्यादा ना हो वरना मेरे पेटे पे आ जाता है। तो इसको अब हमने ऐसे मैरिनेट करके रख देना है थोड़े टाइम के लिए 15 से 20 मिनट। और जब ये हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। और अब यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं अम्मा के लिए रोटी, उसी के साथ जैसा मैंने आपको दिखाया था पकौड़े बनाएंगे। ये देखना यहाँ पे एक जी ने खाना लेके जा रहा है अपना। इसी तरह ये किचन अब खुल चुका है, खाना तैयार हो चुका है, सब अपना अपना लेंगे खाएँगे मज़े करेंगे और क्या। जी मुर्शद लोग आ गए हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर, पता नहीं अभी डिसाइड नहीं किया मम्मा ने। अम्मा बाकी कन्फ्यूजन, इसको तलूँ या इसको फ्राई करूँ या इनके पकोड़े बनाऊँ, अम्मा कन्फ्यूज हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको मसाला लगा के रख दिया। यहाँ मैं अब अपने बेसन का यानी कि पकोड़ों का जो बैटर होता है उसको तैयार करूँगी। इसमें भी हम नमक मिर्ची ऐड करेंगे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप ऐड करें क्योंकि इनका अपना टेस्ट होता है और इनका अपना टेस्ट होगा। जो बाज़ार से मिलते हैं ना उनमें तो ऐसे बिल्कुल भी नमक वगैरह नहीं होता, पता नहीं वो करते क्या है। अब ये देखो हल्का हल्का डाला है, मैं एक बना के चेक कर लूँगी कि नमक मिर्च कैसी है क्योंकि अम्मा ने खाना है तो मैं काम ख़राब नहीं कर सकती। बीपी तेज हो गया मेरे तो पै गया। तो ये देखें इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स कर लिया, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करें इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना पानी ऐड करना है और कितना थिकनेस इसकी होनी चाहिए जैसे जितने पकौड़ों की होती है, ना ये ज़्यादा गाढ़ा हो पकौड़ों के ऊपर लगे ही ना और ना ये ज़्यादा पतला हो। ये देखो ये हल्का सा अभी मुझे थिक लग रहा है तो लिटल बिट डालूँगी इसमें मैं पानी, चलो जिससे हमारा ये देखें क्योंकि ये अभी लम्स बने ये खुल गए और ये देखें अब पतला नहीं हो गया। नहीं ये सही है बिल्कुल। ये देखें ये हमारा बैटर तैयार हो गया। तो अब हम अपने पकौड़ों को तलने का काम शुरू करते हैं। तो अब मैं इनको तलूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कैसे मैंने तलने, रोटी भी बनानी है वो भी शेयर करेंगे। आपने काम करना हो लेकिन घी है तो मुझे तो किस किस को गुस्सा आता है इस मोमेंट में घी डालना पड़ेगा, मुझे तो बहुत आता था पता नहीं क्यों लेकिन आता है। चलो डालना तो पड़ेगा, डालते हैं और फिर काम करते हैं। सो यहाँ पे तवा भी रेडी हो चुका है और ये घी भी रेडी हो चुका है। देखते हैं कि ये गर्म हो गया है या नहीं, गर्म हो गया या नहीं ये देखने के लिए ना आपने हल्का सा ये डालना, ये देखो अच्छे से पास हो गया।
इधर आओ एकिन हेल्प मी, मैंने पकड़े डाल दिया तो तू हेल्प पका चोकड़े। और देखो जब घ्यो का पैकेट वैसे ही पड़ा हुआ डांगर। ओ मैंने अभी इतनी जल्दी खा लिया है ना, अभी पूछ के गई थी वो। सारे बनाने अभी जितने इसमें बने हैं वो बनाने बेसन में, इस बेसन में तूने खाने हैं ना? ना ओ मैंने तो टेस्टिंग के लिए नहीं लाए गाजर, चम्मच मारेगी तो जगह बनेगी ना। हाँ चम्मच से घी निकल गया, घी निकलेगा सोना तो निकलेगा, मतलब कि मेरे हाथ से गिरेगा। They're chipping to each other. Oh, one second. क्या पा दे बहुत है मम्मा के लिए, तुम बहुत ही ज़्यादा है हम नहीं खाना है। और अब यहाँ पे मैं रोटी देके देखो हैं, उसने महफिल में रुसवा हुआ है मेरी भाई। तू गा ले मनु सोर सोदा, ये लो पढ़ो आला भाट। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे रोटी अब पका के मैं आपसे मिलती हूँ गाइस, आप भी बोर होंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी रोटी पक के तैयार हो चुकी है, इसके साथ साथ हमारे पकौड़े भी रेडी हैं। अब मैं अम्मा को दूंगी रोटी और उसके बाद ये देखिए मैंने कितना खलेरा डाला है, इन सबको सेट करना है क्योंकि ऊपर नीचे दो चार काम आ गए थे। मैंने कहा अम्मा की रोटी लेट ना हो, ये करके फिर हम अपनी रोटी भी खाएगा। क्या पकौड़े हैं गाइस, मज़ा आ रहा होगा आपको देख के। पकौड़े रेडी हो गए हैं तो अब हम इनको निकालेंगे आराम से, ऑयल अच्छे से निकाल लें कितने रह गए ना, तो मम्मा को लोग गालियाँ पी जानी हैं। इसके साथ होता ही है कि सारे उठाने के चक्करों में ना पहले वाले भी गिर जाते हैं। थोड़ा सा काला हो गया बस खैर मजे के बने, होप अम्मा लाइक दिस। तो ये मम्मा का ट्रे रेडी हो गया है, अब हम अम्मा को देख ले आते हैं उनका खाना। अब मैंने दे दिया अम्मा को उनका खाना और अब मैं इन सब चीज़ों को समेट लूँ। ये मेरी रोटियां हैं, बाकी सब यहाँ से खिलाड़ा समेट लूँ फिर मैं खाऊंगी अपना खाना। और अब मिलते हैं अगला किसी काम के लिए, देखते हैं आज के व्लॉग में क्या है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। इसमें अब हमने ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको पानी के साथ जैसे पेस्ट बना लेते हैं नॉर्मली। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूजा। तो इसको अब हम बनाते हैं, ये फारिग हो जाए अपने पेड़े करके तो फिर इसको पकड़ेंगे हम मोबाइल और हम बनाएगा पेस्ट। क्या है तंग ना किया करो मुझे। ये अब हम देंगे पुष्पा जी मेरे को। एक टेबल स्पून है हाथ से थोड़ा सा मसल के डाल दूँ। एक चम्मच नमक, बस डेढ़ चम्मच मिर्ची, क्योंकि चाट मसाला भी डालना है और प्लस चिली भी।
ये मैंने डाले हैं हाफ टी स्पून क्रश चिल्ली। हाँ तो कम मिटले चाट मसाला हाफ टी स्पून ही है, ये छोटी चमची है हाफ टी स्पून इसका। और मेन इंग्रेडिएंट्स जो है ना, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ टिफिन बड़े मज़े की बनाने का। लहसुन क्योंकि हमारे घर की हैं तो मुझे तो पता ही होगा ना कौन सा इंग्रेडिएंट है, आप लोग गेस करें क्या होगा। आप अरे मतलब जब तक आपने बोला है एक इंग्रेडिएंट तो लोग सोचेंगे ना क्या ऐसा डाल रही है, अगर तो सोच लिया तो मजे हैं भाई आप लोगों के, आप लोग भी अच्छी टिक्कियाँ खाते हैं। चलो जब तक अम्मा लहसुन बाजी को ढूंढ रही हैं ला रही हैं, हम इधर से अपना सामान इकट्ठा करते हैं और इनको इसमें डालते हैं क्योंकि बाद में भी खुद ही करना है तो इससे अच्छा है साथ साथ करो। ये सबक अम्मा मुझे रोज देती है, मैंने आज आपको दिया। अम्मा क्या गिराई जा रही है आज, छुरी अंदर है। जब आपके पास छुरी ना हो तो आप जुगाड़ भी लगा रहे हो। छुरी क्यों ना हो, मतलब कि बहुत दूर हो लेकिन आपका दिल ना करे बहुत मुसाफिर करने का, आप ऐसे ऐसे करके उसको कोट सकते। तो ये देखिए हमने इनको बारीक वाली साइड से कद्दूकस करके डालना है। बिल्कुल बारीक नहीं करना, थोड़े थोड़े मोटे रहे। इस वो टिक्कियाँ बिल्कुल मलीदे वाली नहीं अच्छी लगती, ये वाली वो तो चिकन वाली हो ना फिर तो बिल्कुल मलीदा काट देते हैं। ये देख रहे आप ये चंग है ना कहीं कहीं बारीक बारीक, इतने भी नहीं है लेकिन हैं सारे। सो ये अब रेडी हो चुकी हैं, अब हम इनको बनाएंगे और तलने वक्त आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही अब यहाँ पे आ रही है चाय की बारी, किचन खाली होने का नाम ही नहीं ले रही आज मैं। चाय बना के मैं भी हाय अल्लाह आज अम्मा को रेस्ट दिया मैंने, कुछ करने के लिए तो कुछ था नहीं, अम्मा का नाम ही लगना था इन दो चीज़ों में कि मैंने हांडी भी बनाई। अब मैं कपड़े सीने लगी हूँ, मैंने कहा चलो कपड़े सीने हैं उसके लिए थोड़ी सी इनको आराम दे देते, इसलिए तो मैंने कर भी दिए ना। सो गाइस अब हम आ गए हैं किचन में दोबारा से, अब टाइम हो गया खाने का। यहाँ पे रोटियों की प्रिपरेशन हो रही है और यहाँ पे होगी अब बेसन की। यहाँ पे टिक्कियाँ बनती हैं आपको मैंने दिखा दी थी, इसमें अब हम नमक और मिर्ची ऐड करेंगे ताकि इसका बेसन का टेस्ट अच्छा आए। थोड़ा मुँह डाल दिया याद नहीं आया, मिर्चियाँ डाली हैं मैंने और ये नमक हंसते ज़रूर जितना आपको लगे आपको डालना चाहिए। बस ये दो चीज़ें हमने इसमें डाल के इसको अब इसका पेस्ट बना लेना है। ये अब हम इसको पेस्ट और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बतानी है, इन आलू की टिक्कियों को इतना ही मोटा साइज़ में रखना है आपको क्योंकि आपने जब इसको बैटर में डालना है ना अगर वो ब्रीक होंगी तो वो बीच में खुल जाएंगी तो आपके हाथ नहीं आएंगे, इसलिए इनको मोटा ही रखना है। मोटा इतना इतना छोटी भी और मोटी भी होनी चाहिए। यस छोटी और मोटी। अब हम आपसे मिलेंगे इनको बनाने के पहले।
तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और मज़ीद अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।